जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कार्यकारिणी में 6-6 कार्यकर्ताओं को उपाध्यक्ष व सचिव जबकि 2 कार्यकर्ताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में 41 को जगह दी गई है। वहीं 30 विशेष आमंत्रित सदस्य कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। कार्यकारिणी में अश्विनी शास्त्री, सुशील सैनी, अरविंद कुमार अधिवक्ता, नीलम कुमारी, नीतू दमीर व करतार चौधरी को उपाध्यक्ष, सचिन शर्मा और रमेश बराड़ को महामंत्री, विजय बत्रा, विजय ठाकुर, शमशेर नेहरिया, विकास चौधरी, कुलभाष चौधरी व ओमकार बरसेन को सचिव, कुलदीप चौहान को कोषाध्यक्ष, प्रकाश चौधरी को सचिव एवं कार्यालय प्रभारी, नारायण ठाकुर को जिला मीडिया प्रभारी, अधिकांश टोकरा को सह मीडिया प्रभारी और विजय शर्मा को मीडिया पैनलिस्ट में शामिल किया गया है। नेपाली लोक गायक गीतकार समाजसेवी मास्टर मित्र सेन की गोरखा समुदाय 124वीं जयंती मनाने जा रहा है। समारोह में तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जयंती से एक दिन पहले 28 दिसंबर को मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा भागसू धर्मशाला की ओर से तोतारानी से धर्मशाला शांति मार्च निकाला जाएगा तथा दाड़ी स्थित दुर्गा मल दल बहादुर स्मृति पाटिका में बच्चों की चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी दिन गोरखा भवन श्याम नगर में सभा की ओर से हवन का भी आयोजन होगा। ये जानकारी मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा की अध्यक्ष साधना नेपाली, उपाध्यक्ष सुरेश थापा और हिमाचल पंजाब गोरखा एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस राणा ने प्रेस वार्ता में दी। 29 दिसंबर 1895 को जन्मे मास्टर मित्रसेन थापा भारतीय नेपाली साहित्य के इतिहास के महान व्यक्तित्व रहे हैं। वे उच्च कोटि के कवि, गायक, साहित्यकार, निबंधकार, धर्म प्रचारक एवं समाज सुधारक रहे हैं। देश की आजादी व अन्य कार्यों में उच्च स्तर की उपलब्धियों को लेकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 और नेपाल सरकार ने वर्ष 1999 में डाक टिकट भी जारी किया था। हिमाचल एवं पंजाब गोरखा एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस राणा ने बताया कि मास्टर मित्र सेन की 124वीं जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 29 दिसंबर को किया जा रहा है। 28 दिसंबर को शांति यात्रा निकाली जाएगी तथा भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता होगी। वहीं 29 दिसंबर को कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जिला सोलन में वाहनों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कल ही सोलन के बड़ोक में वाहन जलकर राख हो गया। इसी तरह से कुछ दिन पहले नालागढ़ के पास वाहन में आग लग गई थी। सोलन के देवघाट में भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। इन सभी वाहनों में सुखद बात ये थी कि इसमें किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाहन बिल्कुल जल गए थे, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान वाहन मालिकों को झेलना पड़ा था। वाहनों में आग क्यों लगती है, इसको लेकर लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताते हैं तो कुछ चढ़ाई चढ़ने से वाहन गर्म होने के कारण बताते हैं। क्या वाहनों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में दमकल विभाग ने शहरवासियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि वाहनों को आग लगने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए लीडिंग फायरमैन राजेंद्र सिंह ने बताया कि ज्यादातर वाहनों में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। कई बार फ्यूल टैंक के लीक होने और वाहन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाने के कारण भी आग लग जाती है। इन सभी कारणों के प्रति चालकों को सजग रहना चाहिए, अपने वाहन की समय समय पर मरम्मत करवानी चाहिए। अगर कभी लंबी दूरी का सफर करना हो तो गाड़ी की अच्छी तरह जाँच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र होना बेहद जरूरी है, साथ ही अगर वाहन में आग लग जाती है तो उस समय बौद्धिक कौशल को उपयोग में लाना चाहिए। किसी भी तरह से घबराना नहीं चाहिए और सबसे पहले वाहन में बैठे लोगों को
बचाने के लिए उन्हें तुरंत वाहन से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से जहां एक और जान माल की हानि होती है, वहीं यातायात भी अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए वाहन चलाते समय चौकन्ने रहने की आवश्यकता है।